वहीं चमोली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के शातिर साइबर ठग को केरल से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जोशीमठ में तैनात आर्मी ऑफिसर से 2,70,303 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर 17 अगस्त 2023 को कोतवाली जोशीमठ पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के वर्तमान में 32 खाते केरल के विभिन्न बैंक शाखाओं में होने की जानकारी मिली है। साथ ही मौके से 15 एटीएम कार्ड, 3 चेक बुक, सिम कार्ड, पेन ड्राइव भी मिले। साथ ही बैंक के उक्त खाते में 2,70,637 रुपए फ्रीज करवाए गए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सर थे यहाँ जो जोशीमठ में कंपनी है आर्मी की, इसमें काम करते थे, तो 16/8/23 को इनके पास एक कॉल आई अननोन नंबर से, जिसमें इन्हें बताया गया कि भाई आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके यहाँ एक, उसने बताया कि एक एक्सीडेंट वाली गाड़ी में आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ठीक उस हिसाब से जो है इन्हें बताया गया कि भाई आपका जो है आधार कार्ड और बाकी चीजें भी वेरीफाई करनी है, क्योंकि आपका इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको एक OTP आएगा। तो जो ये सेना के जो ऑफिसर थे, फील्ड ऑफिसर, इन्होंने जब इन पे आया तो इन्होंने वो OTP बताया, और उसमें वो बेसिकली साइबर फ्रॉड था। उसमें इनके 3 बार 90,000 करके लगभग 2,70,000 रुपए इनके अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाते हैं। इसी की सूचना इन्होंने यहाँ कोतवाली जोशीमठ में 17/8/2023 को दी, जिसपे मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो उसमें लगातार हमारी टीम काम करी रही थी। जो खाता जिस अकाउंट में पैसे गए थे वो केरल का था, बेसिकली ICICI बैंक का, पलक्कड़ का, और जो भी हमारी बाकी सर्विलांस और अन्य जो माध्यम रहते हैं उनकी उनके बेसिस पे हमारी टीम केरल गई। केरल से बेसिकली जो हमारा ये अभियुक्त है बी मणिकंदन, तो केरल के जो थाना कोलगोड है, जिला पलक्कड़, वहां से इसे अरेस्ट करके लाए हैं। और इसमें जो हमारी रिकवरी है वो लगभग 15 ATM कार्ड है और 3 चेकबुक है इसके पास, सिम और पेन ड्राइव वगैरह है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पूर्व में भी इसने इस तरीके की साइबर जो धोखाधड़ी है वो की है, उसके बारे में इससे हम और अभी जांच पड़ताल अपनी कर रहे हैं। बाकी इसके लगभग 32 जो है केरल की अलग अलग बैंक की शाखाओं में इसके 32 बैंक अकाउंट है।